सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब ये राज सामने आया कि आरोपी सुधीर सांगवान सोनाली को अपनी पत्नी बताता था। दो दिन पहले यानी 4 सितंबर को गोवा पुलिस जांच के लिए दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम पहुंची थी, जहां पुलिस के अधिकारियों ने उस फ्लैट की जांच की जिसे 1 जून को सुधीर सांगवान ने किराए पर लिया था। सेक्टर 102 में मौजूद गुड़गांव ग्रीन्स नाम की हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट नंबर 901 सुधीर सांगवान का है। जांच के दौरान पुलिस को फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट मिला जिसमें सुधीर ने सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। इस बारे में जब न्यूज 18 की टीम ने हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सोनाली फोगाट को उन्होंने अपनी वाइफ बताया, ये चौंकाने वाली बात है, इसके बारे में आपको जानकारी थी? मीडिया में ये कई दिन से बात चल रही है, आपके पास में इस दस्तावेज को प्रमाणित तो मैं तो नहीं कर सकता। न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात भी सामने आई कि फ्लैट को किराए पर लेते वक्त सुधीर ने अपने नाम में सांगवान की जगह पाल लिखवाया था, लेकिन ये बात सामने नहीं आ सकी कि आखिर सुधीर सांगवान ने फ्लैट किराए पर लेने वाले दस्तावेज में। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं, दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपना नाम क्यों बदला था? बताया गया कि गोवा पुलिस ने कई घंटों तक फ्लैट की जांच की और इस दौरान वहां से मोबाइल फोन, सोनाली फोगाट का पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड समेत उनके गहने भी मिले, जिससे ये बात तो साफ थी कि सोनाली वहां रहती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज खंगालना मुनासिब नहीं समझा, जबकि बताया जा रहा है कि 22 अगस्त को गोवा जाने से पहले सुधीर और सोनाली यहां आए थे और कई घंटों तक फ्लैट में रुके भी थे। इतनी बड़ी मिस्ट्री है, उसको सुलझाने के लिए क्या गोवा पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज की भी मांग नहीं करनी चाहिए? जांच में ये बात भी सामने आई कि सोनाली और सुधीर अपनी कार से यहां पहुंचे थे और फिर टैक्सी लेकर एयरपोर्ट गए थे। जिस कार से दोनों आए थे वो कार अभी भी वहीं खड़ी है, जिसकी जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये गाड़ी किसके नाम पर है। इन सभी के बीच गोवा पुलिस की एक टीम हत्याकांड के सबूत तलाशने देर रात नोएडा भी पहुंची, क्योंकि ये जानकारी मिली थी कि नोएडा के सेक्टर 52 में मौजूद अरावली हाउसिंग सोसाइटी में भी सोनाली का एक फ्लैट है। बताया गया कि गोवा पुलिस रात करीब 8 बजे हाउसिंग सोसाइटी पहुंची, जहां के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक फ्लैट में उन्होंने छानबीन की। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें गोवा पुलिस के अधिकारी वहां पूछताछ और जांच करते दिखाई दिए। नोएडा सेक्टर 52 में अरावली अपार्टमेंट है, जो तस्वीर आप दिखाई दे रहे हैं, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है यहां पर पुलिस पहुंची थी क्योंकि सोनाली फोगाट का ये फ्लैट बताया जा रहा है। बताया गया कि गोवा पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक वहां हत्याकांड से जुड़े सबूतों की तलाश की। इस दौरान गोवा पुलिस ने फ्लैट में रहने वाले किराएदारों से भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो सोनाली के संपर्क में थे। ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो लोग फ्लैट के किराए का पैसा किसके अकाउंट में भेजते थे, सोनाली के या फिर सुधीर सांगवान के।